नमस्कार, मैं श्वेता, आपका द खबरदार न्यूज टॉप 10 में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर हाईकोर्ट में कल सुनवाई। केंद्र राज्य सरकार के 9 अधिकारियों को अवमानना का नोटिस, जवाब देने का आज आखिरी दिन। भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में कल 17 जनवरी को सुनवाई है। दिल्ली से चित्रकूट पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राम वन गमन पथ न्यास के बैठक में होंगे शामिल। निर्माण कार्य का रोड मैप होगा फाइनल। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की बुरहानपुर में कई संपत्तियां, आरटीआई कार्यकर्ता की मांग, शत्रु संपत्ति का सीमांकन कर राजसात करना चाहिए। बुरहानपुर के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई से चौंकाने वाली शिकायत की है, जिसे सुनकर अफसर खुद भी चौंक गए। एथेनॉल कंपनियों को भाया कॉर्न सिटी का मक्का, रेट बढ़ने से किसानों के चेहरे पर आई रौनक। छिंदवाड़ा जिले के मक्के की पूछ परख बढ़ गई है और दाम 2265 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। खंडवा में 1008 किलो वजन के दिए से 108 घंटे जलेगी राम ज्योति। दिए में बाती के लिए नाड़े का उपयोग किया जाएगा। एक बाती की लंबाई करीब 15 फीट रखी जाएगी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले भर में उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही है। जो राम के नहीं वो किसी के नहीं, आलाकमान के फैसले से दुखी कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा। ग्वालियर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 3 बार के पार्षद रहे आनंद शर्मा ने सोमवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एमपी के छतरपुर में 7 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, मासूम को खेत में छोड़कर फरार हुआ आरोपी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गाँव में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पत्नी संबंध नहीं बनाती, जज साहब तलाक दे दो। 18 साल से परेशान पति की अर्जी पर एमपी हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शादी से इनकार करने को लेकर अहम टिप्पणी की है। सीएम मोहन यादव और सिंधिया ने ग्वालियर को नए साल पर दी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्शन में है। सीएम मोहन यादव ने अचानक चित्रकूट में बुलाई आपात बैठक, हो सकता है ये बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अलग अलग जिलों और संभागों का दौरा कर रहे हैं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।